Hello students, we are studying our lesson 6 that is life processes. ठीक है, हमने अपनी last video में respiration का mechanism और types of respiration के बारे में पढ़ा था. तो जो आज का हमारा topic है वो है respiration in plants. ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम इस chapter में कोई life process start करेंगे तो उसमें हम जो लाइफ प्रोसेस है वो सभी के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर प्लांट्स हैं. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में जो है वो रेस्पिरेशन कैसे होती है. ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि हमने कभी प्लांट्स को जो है वो सांस लेते हुए तो नहीं देखा, लेकिन आपने तो कभी प्लांट्स को न्यूट्रिशन लेते हुए भी नहीं देखा, लेकिन हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट में हो रही है. तो इसका मतलब है कि जो रेस्पिरेशन है वो प्लांट्स में भी हो रही है. ठीक है, तो जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हैं तो ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, लंग्स प्रेजेंट है, जिसके थ्रू गैसेस की एक्सचेंज होगी, हमारी रेस्पिरेशन होगी. ठीक है, तो वैसे ही हमारे जो प्लांट्स हैं इनमें कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है. ठीक है, तो इसमें रेस्पिरेशन कैसे होगी, जो हमारे प्लांट के जो पार्ट्स हैं जैसे कि लीफ है, स्टेम है, ठीक है, या फिर इसकी क्या है रूट है, इसके थ्रू मतलब जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं प्लांट के, चाहे वो लीफ है, चाहे वो स्टेम है, चाहे वो रूट है, इनके थ्रू जो है वो गैसेस की एक्सचेंज होगी. ठीक है, तो ये तो हमें पता लग गया कि इसमें जो प्लांट्स में जो गैसेस एक्सचेंज होगी, इट विल अकर थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट विच मे बी लीफ, स्टेम और रूट. लेकिन कौन सा ऐसा मेथड है जिससे जो गैस होगी उसकी क्या होगी, एक्सचेंज होगी, तो इट विल अकर थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस. ठीक है, डिफ्यूजन मीन्स हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में गैसेस की एक्सचेंज होगी. जो डिफ्यूजन है इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है कि जैसे आपने इंसेंस स्टिक, कोई अगरबत्ती जो है वो एक रूम में जलाई है, तो थोड़ी देर बाद जब आप एंटर करोगे तो क्या देखोगे, आपके पूरे घर में जो है वो उसकी अरोमा जो है वो आ गई है. तो वो किस वजह से, कि जहां पे उस अगरबत्ती की जो स्मेल थी उसकी जो हायर कंसेंट्रेशन थी वो सभी में क्या हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गई, डिफ्यूज हो गई और पूरे घर में उसकी अरोमा जो है वो आ गई. तो वैसे ही जो प्लांट में जो रेस्पिरेशन होगी, जहां भी गैसेस की एक्सचेंज होगी, इट विल अकर थ्रू द डिफ्यूजन मेथड. डिफ्यूजन क्या है, इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस. गैसेस में जो डिफ्यूजन है वो सबसे फास्ट होता है. ठीक है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसेंट्रेशन. ठीक है, तो ये थी हमारी रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स की वो थोड़ी सी क्या है, टफ है, तो सभी जो है वो ध्यान से देखेंगे. ठीक है, इसमें जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व है वो है फोटोसिंथेसिस भी होगी और रेस्पिरेशन भी होगी. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है डे टाइम, ये है नाइट टाइम. डे टाइम में आगे लिखा है फोटोसिंथेसिस होगी क्योंकि लाइट का प्रेजेंट है डे में, तो तब होगी फोटोसिंथेसिस और थोड़ी बहुत रेस्पिरेशन भी होगी. डे में फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, रेस्पिरेशन भी हो रही है. नाइट में सिर्फ रेस्पिरेशन ही हो रही है, वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगी क्योंकि जो सनलाइट है वो प्रेजेंट नहीं होगी. ओके, क्लियर है. तो यहाँ पे अगर हम डे टाइम में हम देखें तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, कि ऑक्सीजन जो है वो एंटर कर रही है, CO2 जो है वो बाहर निकल रहा है. तो बहुत ही एक अनयूजुअल थिंग जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है. बेसिकली आपने क्या देखा है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं. ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं ऑक्सीजन जो है वो ले रहे हैं. ठीक है, ये आप डायग्राम देखिए. ठीक है, तो यहां क्या है, ऑक्सीजन यहां छोड़ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, मतलब जो हमारी डे टाइम में जो प्रोसेसेस चल रही है प्लांट में उसमें क्या है, ऑक्सीजन ले भी रहे हैं छोड़ भी रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले भी रहे हैं छोड़ भी रहे हैं. सिर्फ आप डे टाइम की बात करेंगे, नाइट टाइम की हम बात नहीं करेंगे. ठीक है, सिर्फ आप डे टाइम को ही पहले कंसीडर करते हैं. तो इसमें हमने क्या देखा कि जो ऑक्सीजन है वो प्लांट्स ले भी रहे हैं छोड़ भी रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले भी रहे हैं छोड़ भी रहे हैं. तो हम प्रोसेसेस को इसको देखते हैं कि इसमें होता क्या है. ये है हमारी
सनलाइट, ठीक है। सनलाइट जो है वो यहाँ पे एंटर करेगी, हमारी लीफ में चली गई। यहाँ क्या प्रेजेंट होगा हमारा? वॉटर, ठीक है, वॉटर प्रेजेंट है। ये वॉटर की क्या कर देगा? ब्रेक डाउन कर देगा, इसको बना देगा 2H2+O2। ऑक्सीजन इसने निकाल दी, ये निकल गई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ चली गई है? एनवायरमेंट में, ठीक है। तो इसके हमें पता लग गया कि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, निकल रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? जो हमारी ऑक्सीजन निकल गई, अब ऑक्सीजन तो हमारी क्या होगी? निकल गई। अब हमारे प्लांट में जो है वो CO2 भी प्रेजेंट है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो इसने ली थी वो भी प्रेजेंट है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में प्रेजेंट है उसकी वो क्या करेगा? उसको वो कन्वर्ट कर देगा इनटू कार्बोहाइड्रेट्स C6H12O6, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये लेगा और ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो इसने क्या किया? एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ली और उसको किसने कन्वर्ट कर दिया? इनटू C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज। तो थोड़े से कार्बन डाइऑक्साइड को इसने क्या किया? इसमें कन्वर्ट कर दिया। और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को इसने स्टोर कर लिया ताकि वो नाइट में क्या कर सके? कार्बोहाइड्रेट बना सके, क्योंकि नाइट में जो है वो CO2 को क्या नहीं करेगा, ये कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। इससे जो है वो CO2 नहीं निकलेगी क्योंकि तब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी। लेकिन वो बात की बात है, पहले आपसे डे टाइम का देखिए। डे टाइम में क्या हुआ? सनलाइट जो है वो लीफ पे पड़ी, वॉटर की इसने ब्रेक डाउन कर दी, ऑक्सीजन रिलीज कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? लीफ ने CO2 ली एनवायरमेंट से, उसको कन्वर्ट कर दिया कार्बोहाइड्रेट में और थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड को उसने स्टोर कर लिया ताकि वो उसको क्या कर सके, बाद में रात में जो है वो उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? ये जो C6H12 और O6 है, ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बना, अब इससे एनर्जी चाहिए। अब रेस्पिरेशन क्यों कर रहे हैं प्लांट्स? के जो उन्होंने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं उसकी ब्रेक डाउन हो, उससे एनर्जी मिले, प्लांट ग्रो करे। तो क्या होगा इसमें? इसको चाहिए यहाँ पे ऑक्सीजन की हेल्प। तो ये क्या करेगा? एनवायरमेंट से ऑक्सीजन लेगा, एनवायरमेंट से ऑक्सीजन लेगा और उसको ब्रेक डाउन कर देगा CO2H2O+ energy। इस एनर्जी का यूज जो है वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज को करने के लिए करेगा। तो इन चार प्रोसेसेस को आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ हमने क्या देखा? ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल रही है। यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन एंटर की, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का यूज हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुई। यहाँ पे हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट ने अंदर ली और यहाँ पे क्या किया? CO2 को बाहर निकाल दिया। तो यही से पता लग गया कि डे टाइम में जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन ले भी रहे हैं, निकाल भी रहे हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ले भी रहे हैं और निकाल भी रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, डे टाइम में क्या होगा? ये है हमारी सनलाइट। सनलाइट जो है वो लीफ में क्लोरोफिल उसको ट्रैप कर लेगा, ठीक है, और ट्रैप करके जो वॉटर है प्रेजेंट उसको वो कन्वर्ट कर देगा इंटू 2H2+O2। ऑक्सीजन एनवायरमेंट में चलेगी, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा? अब ऑक्सीजन जो है वो एनवायरमेंट में चलेगी। जो CO2 था, अब उसने क्या करना है? उसने कार्बोहाइड्रेट बनाना है। तो वॉटर मॉलिक्यूल तो है, उसके साथ CO2 कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। CO2 को उसने क्या किया? प्लांट ने CO2 को ले लिया एनवायरमेंट से, उसको कन्वर्ट कर दिया इंटू कार्बोहाइड्रेट और थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड जो उसने स्टोर करके ले ली ताकि वो रात में जो है वो उस कार्बोहाइड्रेट का यूज, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए जो वो उसका यूज कर सके, ठीक है। फिर उस कार्बोहाइड्रेट से अब एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कैसे मिलेगी? जब हम इसको तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन। रेस्पिरेशन का मतलब ही है कि हमने न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करना है। तो वो ऑक्सीजन को फिर से अंदर लेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा इंटू CO2H2O+ energy। एनर्जी का यूज वो लाइफ एक्टिविटीज को करने के लिए ले लेगा और जो CO2 ये बाहर निकल जाएगी। तो ये थी हमारी डे टाइम में फोटोसिंथेसिस एज वेल एज द रेस्पिरेशन, ठीक है। अब अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो नाइट में जो है वो बिल्कुल इसका क्या होगा? अपोजिट होगा। इसमें क्या होगा?
ऑक्सीजन अंदर आएगी और CO2 जो है वो बाहर जाएगी। क्यों? क्योंकि डे टाइम में जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि जो हमारी सनलाइट है वो प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस ही होगी। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन चाहिए, किस लिए? अब ये CO2 जो है वो यहाँ पे अंदर प्रेजेंट है क्योंकि इसने दिन में क्या किया था, स्टोर करके रखा था कार्बन डाइऑक्साइड के, तो कि रात को उसमें क्या बनाएगा, वो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। तो जो CO2 इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, उसको क्या करेगा, ये वो कन्वर्ट कर देगा इंटू C6H12O6। अब इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, C6H12O6 से इसने लेनी है एनर्जी। तो ये क्या करेगा, ये बाहर से ऑक्सीजन को लेगा, जो इसने एनवायरमेंट में ऑक्सीजन छोड़ी थी उसको वो फिर से अंदर ले आएगा और इसको कन्वर्ट कर देगा CO2H2O+ एनर्जी। एनर्जी का यूज लाइफ एक्टिविटीज को करने के लिए ले लेगा, CO2 जो है वो बाहर आ जाएगी और वाटर भी, ठीक है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। और CO2 तभी तो बोलते हैं कि रात को जो है वो हमें किसी भी प्लांट के नियर बाय जो है वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस टाइम वो सारी जो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है उसको खींच लेता है और जो CO2 है उसको वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, समझ गए। जो O2 रिलीज है दिन में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो ज्यादा हो रही है और CO2 जो रिलीज हो रही है वो कम हो रही है, इसमें इसका अपोजिट होगा। O2 ये ज्यादा अंदर लेगा और कार्बन O2 जो है वो ज्यादा लेगा और यहाँ पे CO2 भी ये ज्यादा छोड़ेगा, ठीक है, इसीलिए इसके नजदीक जो है वो नहीं खड़े होना चाहिए। समझ गए, ये था डे टाइम और नाइट टाइम में हमारी क्या प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होती है। डे टाइम में या थोड़ा क्रिटिकल इसमें एक बार फिर से देख लीजिए, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, लीफ में H2O जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2H2+O2, उसके बाद CO2 लेगा प्लांट, उसके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा, थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड को वो स्टोर कर देगा ताकि रात को उसके जो है वो कार्बोहाइड्रेट बना सके। फिर जब कार्बोहाइड्रेट हमारे पास बन गया तो उसको तोड़ने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ये बाहर से लेगा, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और नाइट में तो बिल्कुल सिंपल है, उसमें क्या है, फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, तो जो ऑक्सीजन इसने लीव की है दिन में उसको वो अब्सॉर्ब कर लेगा और जो कार्बोहाइड्रेट उसके पास बने हैं उसको वो तोड़ देगा, CO2 बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी जो रेस्पिरेशन है प्लांट में डे टाइम और नाइट टाइम में। डे टाइम में जो हमारी फोटोसिंथेसिस है या जो रेस्पिरेशन है वो दोनों चलती है, लेकिन अगर हम नाइट टाइम की बात करें तो उस टाइम सिर्फ हमारी जो रेस्पिरेशन है वही काम आती है। ठीक है, आगे आते हैं कि पार्ट्स कौन कौन से हैं जिसके थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन होगी, किसमें, हमारे प्लांट्स में। ठीक है, तो जैसे कि हमारे हमने पहले पढ़ा कि इसमें कोई स्पेशलाइज्ड जो पार्ट्स है वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इसमें अकर थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा आपको पता ही है, डोंट थिंक इसको बताने की जरूरत है। स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ओवर द सर्फेस ऑफ वॉटर। ठीक है, आपको पता है इस तरह के गार्ड सेल होते हैं, इसके साइड में जो है वो सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होगा, जब ये खुलेंगे तो उसके थ्रू जो है वो गैसेस की एक्सचेंज हो जाएगी। और जो स्टोमेटा है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे लीफ में और हमारी ग्रीन स्टेम है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आर लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स कहाँ पे होते हैं, जो हमारी वुडी स्टेम है और जो रूट्स है वहां पे हमारे लेंटिसेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और जो लेंटिसेल्स हैं इनका भी वही फंक्शन है कि ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ये भी पोर्स होते हैं जस्ट लाइक स्टोमेटा विच हेल्प इन द गैसेस एक्सचेंज इन केस ऑफ प्लांट्स। ओके, एंड द थर्ड वन इज रूट हेयर्स। रूट हेयर्स, अब रूट है, रूट जो है वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब हम रूट को बाहर निकालेंगे तो जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच क्या है, वैसे नहीं कि कॉम्पैक्ट सॉइल होगी, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में गैप्स प्रेजेंट होंगे और इन गैप्स के बीच में से जो हमारी एक्सचेंज है गैसेस की होगी, गैस अंदर भी आ जाएगी, गैस बाहर भी चली जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारी रेस्पिरेटरी पार्ट्स जिसके थ्रू जो है वो हमारी ट्रांसपिरेशन होगी इन केस ऑफ प्लांट्स, दैट इज स्टोमेटा, लेंटिसेल्स इन आर रूट हेयर्स। और जो रूट हेयर्स है वो प्रेजेंट है हमारे यंग रूट्स में, जो लेंटिसेल्स है वो प्रेजेंट है हमारे बूडी स्टेम में या फिर रूट्स में, और जो स्टोमेटा है दे आर प्रेजेंट इन द लीव्स एंड ग्रीन स्टेम। ओके,
नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, इसमें हम बेसिक सी फीचर्स जो है वो ही पढ़ेंगे, ठीक है, कि ह्यूमंस में जो है वो रेस्पिरेशन कैसे होगी। तो पता है आप हमने प्लांट्स में पढ़ा कि उसमें तो कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ह्यूमंस में जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट है, विच आर ओनली कंसर्न विद दैट ऑफ रेस्पिरेशन। वो फूड की ब्रेक डाउन करेंगे, उससे एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो तीन फीचर्स है मेनली हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के, जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं विच आर कॉल्ड लंग्स, उनकी क्या क्या फीचर्स हैं। तो तीन फीचर्स हैं, एक तो लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है, कि इसका जो सरफेस एरिया है वो कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, किस लिए, टू गेट इनफ ऑक्सीजन, के ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो हमारे लंग्स में आ जाए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, जो सरफेस एरिया है लंग्स का वो क्या हो, ज्यादा हो, उसमें ज्यादा ऑक्सीजन हम भर सके, ठीक है। नेक्स्ट वन इज थिक वॉल्स। आप जैसे मान के चलिए कि बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है, तो आपने अगर मोटे कपड़े पहने होंगे तो उससे क्या होगा, हमें जैसे हमने पंखा लगाया है तो जो हवा है वो अंदर तक नहीं जाएगी। अगर हमने कॉटन के कपड़े पहने होंगे, पतले कपड़े पहने होंगे, तो हमें उतनी ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी। तो वैसे ही अगर ऑक्सीजन की हमें क्या करनी है, एक्सचेंज करनी है, हमें रेस्पिरेशन करनी है, तो थिक वॉल्स होनी चाहिए फॉर इजी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हर जगह आएगा जहां भी गैसेस की एक्सचेंज होगी। तो दूसरा क्या आ गया, थिन वॉल्स होनी चाहिए फॉर द इजी डिफ्यूजन। एंड थर्ड वन इज के जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो स्किन है, चाहे वो लंग्स है, दे हैव रिच ब्लड सप्लाई, ठीक है। ट्रैकियल सिस्टम, जो हमारा ट्रैकियल सिस्टम है, या जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, जैसे लंग्स हैं, हमारे स्किन है, ठीक है, कि एयर जो है इट रिचेस सेल्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, आर ओ में लिखा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, विच मे बी स्किन और लंग्स, दे हैव ब्लड रिच सप्लाई, उनकी ब्लड रिच सप्लाई होनी चाहिए, किस लिए, टू ट्रांसपोर्ट गैसेस, ठीक है, गैसेस की ट्रांसपोर्ट के लिए जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उनकी क्या होनी चाहिए, रिच वाटर सप्लाई होनी चाहिए, कि गैस अगर हमारे बॉडी में एंटर की, गैसेस एक्सचेंज हुई, तो वो ब्लड के थ्रू जो है वो फटाफट हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर जाए, ठीक है, और इजिली जो है वो एनर्जी हमारे सभी बॉडी पार्ट्स को मिल जाए। तो तीन हमारी फीचर्स थी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, एक तो इसमें लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए टू गेट इनफ ऑक्सीजन, थिन वॉल होनी चाहिए फॉर द इजिली डिफ्यूजन, और थर्ड वन क्या था कि जो हमारा ट्रैकियल सिस्टम है उसमें जो एयर है जब वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक पहुंच रही है तो उसकी जो है वो रिच ब्लड सप्लाई होनी चाहिए टू ट्रांसपोर्ट गैसेस, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा पहले तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में कि उसमें कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। डे टाइम और नाइट टाइम में हमने देखा कि कैसे जो गैसेस एक्सचेंज जो है वो हो रही है, और मेन चीज हमने ये देखी आज के जो प्लांट्स है वो डे टाइम में ऑक्सीजन ले भी रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले भी रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं, जो आज तक हमने नहीं पढ़ा था, ठीक है। और नाइट टाइम में जो है उसमें तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो ऑक्सीजन सिर्फ वो लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ेंगे। और उसके बाद हमने थोड़ा सा जो है वो रेस्पिरेटरी पार्ट्स के बारे में पढ़ा विच आर स्टोमेटा, लेंटिसेल्स एंड थर्ड वन इज रूट हेयर्स, ठीक है। और रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के हमने फीचर्स किए कि उसमें लार्ज एरिया होना चाहिए, थिन वॉल्स होनी चाहिए, और जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं दे मे हैव रिच वाटर, रिच ब्लड सप्लाई, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, ठीक है। तो आपने यहां तक जो है वो अपना चैप्टर रिवाइज कर लेना है। थैंक यू।